हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैग्नेट क्या होती है, तभी हम उसके इफेक्ट देख पाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के। तो हम बात कर रहे हैं मैग्नेट की। मैग्नेट क्या होती है? एनी सब्सटेंसेस विच अट्रैक्ट पीसेज ऑफ आयरन निकल कोबाल्ट। वो सब्सटेंस जो कि आयरन निकल कोबाल्ट के पीसेस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं कि ये मैग्नेट है। इसके बाद में एक टर्म होती है जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने क्या बोला कि मैग्नेट क्या होती है, जो कि आयरन निकल कोबाल्ट के पीसेस को अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर ये मैग्नेट है, ये अगर कोई पीसेस को अट्रैक्ट कर रही है, मतलब ये उसके ऊपर क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि मैग्नेट अदर सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए क्या अप्लाई करती है, फोर्स अप्लाई करती है। ठीक है, मतलब कोई ना कोई एक मैग्नेटिक फोर्स होता है। ठीक है, अब ये तो बात रही कि ये आयरन निकल कोबाल्ट के पीसेस को अट्रैक्ट कर रही है, मतलब पुल का फोर्स लगा रही है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई दो मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है, अब मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, अपन को पता है, एक कौन सा होता है नॉर्थ पोल, एक कौन सा होता है साउथ पोल। तो अब मैं बोलता हूँ कि अगर दोनों मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अगर पास में लाता हूँ तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्शन, और अगर दोनों के अपोजिट पोल्स को पास में लाता हूँ तो क्या करते हैं, ये अट्रैक्शन करते हैं। मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो होता है आपका, दो टाइप का होता है, एक तो अट्रैक्शन का और एक रिपल्शन का। ठीक है, अब ये कब तक, किस रेंज तक लग सकता है? कहने का मतलब क्या है कि ये दो मैग्नेट है आपकी, ये एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। जब ये बहुत ज्यादा पास में होती है तो जो फोर्स होता है इनके बीच में वो बहुत ज्यादा होता है, और जब ये थोड़ा जैसे जैसे दूर डिस्टेंस इनकी इंक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे इनके बीच में जो फोर्स है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। एक डिस्टेंस ऐसी आती है जब ये एक दूसरे के ऊपर लगभग टेंस टू नेग्लिजिबल फोर्स लगाते हैं। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो है आपका, मैग्नेटिक फोर्स वो एक रेंज तक लगता है, एक पर्टिकुलर रेंज तक। कहने का मतलब ये अगर आपकी एक मैग्नेट है, इसके दो पोल्स है आपका, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, तो इसके आसपास में एक स्पेस होगा। मतलब ओनली उस स्पेस के अंदर अगर कोई दूसरी मैग्नेट आती है या फिर कोई आयरन निकल कोबाल्ट का कोई पीस आता है, तो अगर उस इसका एक स्पेस होगा, इसका एक रीजन होगा इसके आसपास में, उसके अंदर अगर कोई पीस आता है आयरन कोबाल्ट निकल का, तो ये मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करती है। अदरवाइज इस स्पेस के बाहर अगर कोई चीज है तो ये उसके ऊपर लगभग कोई भी फोर्स नहीं लगाती, लगभग टेंस टू नेग्लिजिबल फोर्स लगाती है। तो ये अपन को क्या पता चला अभी कि एक मैग्नेट अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करती है, उस फील्ड को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, दैट फील्ड या दैट स्पेस वेयर मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लगा रही है, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, अगर सेम हुए तो रिपल्शन और अपोजिट पोल्स होते हैं तो अट्रैक्शन, और अगर पीसेस होते हैं तो उनका अट्रैक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ कि दैट रीजन और स्पेस अराउंड द मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी फील्ड। मतलब जहां पे मैग्नेट के आसपास वो वाला रीजन या फिर स्पेस जहां पे मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को क्या कर सकते हैं, अपन फील कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। अब बात आती है कि मैग्नेट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो मैग्नेट के टाइप अपन देखते हैं, फर्स्ट आपकी होती है परमानेंट मैग्नेट, सेकंड होती है टेम्पररी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट किसको बोलते हैं, जो कि खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाती है और जो हमेशा क्या करती है, बिहेव करती है एज ए मैग्नेट। मतलब खुद का मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये खुद का क्या क्रिएट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही है। और इसके मैग्नेटिक रीजन के अंदर जो परमानेंट मैग्नेट है, उसके अगर मैग्नेटिक रीजन के अंदर, उसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो वो उसके ऊपर क्या करती है, अट्रैक्शन का रिपल्शन का फोर्स लगाती है। तो ये आपकी परमानेंट मैग्नेट है, जो अपन चाइल्डहुड में देखते हैं, जो अपनी छोटी मैग्नेट्स होती है जिसको पास में लाते हैं तो अट्रैक्ट रिपेल करती है, वो जो आपकी मैग्नेट है, बार मैग्नेट उसको बोलते हैं, वो कौन सी मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है। उसके बाद आपके आते हैं टेम्पररी मैग्नेट। टेम्पररी मैग्नेट क्या होती है, जो कि खुद मैग्नेट नहीं होती, लेकिन अगर मैं उसको, किसको, टेम्पररी मैग्नेट को, किसी मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब किसी और सोर्स का मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं इसको उसमें रखता हूँ तो ये खुद भी कैसे बिहेव करती है एज ए मैग्नेट। क्या एग्जाम्पल है इसका, कैसे समझ सकते हैं इसको, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी कोई परमानेंट मैग्नेट है, ये जो है ये कौन सी है, परमानेंट है, और ये इसके आसपास क्या बना हुआ है, इसका स्पेस, इसका रीजन बना हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं क्या करता हूँ कि एक आयरन के पीस को यहाँ लाता हूँ तो ये क्या करता है, इसके पास में अट्रैक्ट होकर इसके पास में आके इसके क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है। ठीक है, अब अगर मैं बहुत सारे आयरन के पीसेस यहाँ पर रखे हुए हैं,
बहुत सारा आयरन के पीसेस यहाँ पर रखे हुए हैं इसके रीजन में, और इस मैग्नेट को अगर मैं पकड़ के, इस मैग्नेट को पकड़ के उन आयरन के पीसेस के पास में मैं लेके जाता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ कि कुछ पीसेस तो आपस में स्टिक हो जाते हैं जो कि डायरेक्ट मैग्नेट के कांटेक्ट में होते हैं, और जो रिमेनिंग पीसेस है वो इन पीसेस के पीछे स्टिक हो जाते हैं। कुछ पीसेस तो डायरेक्ट मैग्नेट के पोल के अटैच हो गए, और जो रिमेनिंग पीसेस है वो इन जो आगे वाले फ्रंट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के पीसेस है इनके पीछे कनेक्ट हो गए, उनके पीछे स्टिक हो गए। तो इससे अपन क्या देख सकते हैं कि ये वाले जो फर्स्ट वाले जो डायरेक्ट मैग्नेट के कॉन्टेक्ट में है वो खुद क्या है, आयरन की पीसेस है, और आयरन के पीस है जब मैं किसी रैंडम आयरन की पीस को देखता हूँ तो वो न तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, न उसकी वजह से अट्रैक्शन और रिपल्शन का फोर्स लगता है। तो आयरन का पीस जब इंडिविजुअल है, सिंगल है, तब तो ना तो अट्रैक्शन रिपल्शन का फोर्स नहीं अप्लाई कर रहा, लेकिन जब मैं उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में लाता हूँ, किसी मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लाता हूँ, तब मैं क्या देखता हूँ कि उसके पीछे अदर पीसेस भी स्टिक हो जाते हैं। तब इसका मतलब ये खुद भी अभी कैसे बिहेव कर रहा है एज ए मैग्नेट, लेकिन कब, जब मैंने आयरन के पीस को किस में रखा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा। फिर से दो टाइप की आपकी मैग्नेट्स होती है, फर्स्ट जो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है खुद का, क्या बोलते हैं उसको, परमानेंट मैग्नेट। सेकंड क्या होती है, टेम्परेरी, जिसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, ना खुद का क्रिएट करती है, लेकिन अगर मैं उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूँ तब वो खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, खुद भी बिहेव करती है कैसे, एज ए मैग्नेट, उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट। अब सर एक बार आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो क्या वो हमेशा एज ए मैग्नेट बिहेव करेगी, टेम्परेरी मैग्नेट, नहीं, कब तक बिहेव करेगी, जब तक वो कहाँ रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। तो आयरन के पीस को जैसे ही मैग्नेट के पास में लाते हैं तो वो कैसे बिहेव करता है, एज ए मैग्नेट बिहेव करता है, लेकिन जैसे आयरन के पीस को मैंने उस परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाला तो वो क्या हो गया, वापिस आपकी कोई भी मैग्नेट नहीं है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा। तो अभी तक अपन ने इसके बारे में पढ़ा, एक तो मैग्नेट और एक मैग्नेटिक फील्ड, उसके बारे में अपन ने क्या देखे, मैग्नेट के टाइप्स। तो मैग्नेट क्या होती है फिर से रिवाइज करते हैं, वो जो आयरन निकल कोबाल्ट के पीस को अट्रैक्ट करती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेट अपने आसपास क्या बनाता है, एक फील्ड स्पेस उसके अराउंड जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन फील किया जा सके। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, मैग्नेट के टाइप दो टाइप की होती है, टेम्परेरी और परमानेंट। परमानेंट क्या होती है, जो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके रखती है खुद का। टेम्परेरी क्या होती है, वो सब्सटेंस जो ओनली तब एज ए मैग्नेट बिहेव करता है जब उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे। तो अभी तक अपना जो मैग्नेटिक फील्ड था उसको अलग पढ़ा जाता था, और जो आपका इलेक्ट्रिसिटी फील्ड था उसको अलग पढ़ा जाता था। 1820 के अंदर आपका एक साइंटिस्ट है, 1820 के अंदर एक साइंटिस्ट ऑरेस्टेड नाम के, वो अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। तो यहां मैं एक आपका सिंपल सर्किट बना रहा हूं जिसमें आपकी एक की है बैटरी और एक आपका रेजिस्टेंस है, कोई भी रेजिस्टेंस हो सकता है आर। तो वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, और आपके उनकी जो बेंच थी, टेबल थी, उसके ऊपर क्या था कि सर्किट के जस्ट पास में एक मैग्नेटिक नीडल रखी हुई थी। अब मैग्नेटिक नीडल क्या होती है, मैग्नेटिक नीडल आपकी होती है टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट का मतलब मैग्नेटिक नीडल खुद मैग्नेट नहीं है, लेकिन अगर मैं मैग्नेटिक नीडल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ तब आपकी मैग्नेटिक नीडल क्या करेगी, मोशन करेगी, खुद भी कैसे हो जाएगी, अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अलाइन करने की कोशिश करेगी। मतलब अगर ये आपका जो कंपास नीडल है, मैग्नेटिक नीडल है, अगर मैं इसको किस में रखता हूँ, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो इस नीडल के अंदर क्या होगा, मोशन होगा, और अगर नहीं रखूंगा तो इसमें मोशन नहीं होगा। कब, जब ओनली इसको किस में रखा अपने, मैग्नेटिक फील्ड में। तो हुआ ये कि ऑरेस्टेड को पता नहीं था, रैंडमली साइंटिस्ट की टेबल पर काफ़ी चीज़ें होती है तो उसमें रैंडम है कि कंपास नीडल भी वहाँ पे रखी हुई थी। तो जैसे ही उन्होंने क्या करा, अपना जो भी उनका एक्सपेरिमेंट चल रहा था, जैसे ही उन्होंने की का क्या करा, स्विच ऑन करा, जैसे ही उन्होंने की में स्विच ऑन करा तो सर्किट के अंदर करंट फ्लो होने लग गया। तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही उन्होंने स्विच ऑन करा कोई मोशन हुआ पूरी टेबल के ऊपर, उनको ऐसे लगा कि कोई चीज़ हिली, कहीं ना कहीं मोशन हुआ। तो उन्होंने देखा कि क्या चीज़ मोशन हुई, तो उन्होंने वापस इसको ऑफ करा। जैसे ही ऑफ करा तो वापस मोशन हुआ, तो उनका ध्यान गया कि पास में जो कंपास नीडल रखी हुई थी उसकी जो नीडल थी उसमें मोशन हुआ। तो उनको लगा कि ये कैसे हुआ, क्यों, क्योंकि उससे पहले अपन, अभी मैंने बताया कि अपन इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैसे पढ़ते थे, डिफरेंट ट्रीट करते थे। तो जैसे ही उन्होंने वापस क्या करा, स्विच ऑन करा, जैसे ही वो स्विच ऑन कर रहे हैं उससे हो क्या रहा है, सर्किट के अंदर करंट आ रहा है। तो जैसे ही उन्होंने स्विच ऑन करा वापस, आपके नीडल के अंदर क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ, एक साइड में, कोई भी एक साइड में उसका क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। तो फॉर एग्जाम्पल अभी ऊपर की साइड में इसका क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। तो उन्होंने ऑब्जर्व करा कि ये जो हो रहा है, नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है।
तो उनको पता है कि भाई मैग्नेटिक नीडल क्या है, आपकी टेम्पररी मैग्नेट है, और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट ट्रीट करा जाता था। तो उनको क्या लगा, उनको क्या पता है कि आपकी जो नीडल है वो ओनली कम मोशन करनी चाहिए जब आप उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो, लेकिन यहाँ पे आसपास तो कोई मैग्नेट है ही नहीं, और यहाँ पे आसपास कोई मैग्नेट है ही नहीं, मतलब यहाँ पे आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। तब उन्होंने देखा कि यहाँ पे जब आसपास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ये नीडल मोशन कैसे कर रही है। फिर उन्होंने देखा कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्या कर रहे थे वो, बस स्विच ऑन या ऑफ कर रहे थे, जिससे आपके आसपास क्या कर रहा था, नीडल मोशन कर रही थी। तो वो ऐसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये ऑब्जर्वेशन करी कि जब भी आपके सर्किट के अंदर स्विच ऑन या ऑफ करने से हो क्या रहा है, करंट आ रहा है। अगर स्विच ऑन करते हो तो करंट है सर्किट में, और ऑफ कर रहे हो तो करंट नहीं है। तो उन्होंने उनको क्या पता चला कि सर्किट के अंदर जब करंट आता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। सर्किट के अंदर जब करंट आता है, मतलब जब भी आपका चार्ज मोशन में होता है, जब भी आपका चार्ज इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है, तो वो अपने आसपास क्या करता है, एक फील्ड क्रिएट करता है। कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो करता ही है क्योंकि चार्ज है, उसके साथ में एक और फील्ड क्रिएट करता है जिसका नाम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। कैसे पता चला उन्होंने, कैसे इस चीज़ का कंक्लूजन निकाला कि आपकी जो कंपास नीडल है, मैग्नेटिक नीडल है, उसका क्या हुआ, मोशन। और मैग्नेटिक नीडल का, कंपास नीडल का मोशन ओनली किस केस में हो सकता है, जब आप उसको किस में रखो, मैग्नेटिक फील्ड में रखो। अब यहाँ पे आसपास मैग्नेट तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, क्योंकि इसमें मोशन हुआ। इसका मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कौन कर रहा था, मोशन, चार्ज का मोशन, मतलब करंट क्रिएट कर रहा था। तो ये उनका कंक्लूजन निकला कि आपका जो करंट होता है वो क्या करता है, क्रिएट करता है, क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। किसके साथ में, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी है क्योंकि चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तब उन्होंने देखा कि भाई हो सकता है कि ये बैटरी के करंट की डायरेक्शन की वजह से कुछ हो, तो उन्होंने क्या करा कि करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दी, मतलब बैटरी को उन्होंने क्या करा, अपोजिट लगा दिया। जब उन्होंने बैटरी को अपोजिट लगा दिया और उसके बाद में जब उन्होंने स्विच ऑन करा, तो वो क्या देखते हैं कि अगर पहले आपके इसके करंट का मोशन क्या हो रहा था, ऊपर, तो अब जो आपके नीडल का डिफ्लेक्शन है वो क्या हो रहा है, नीचे, मतलब अपोजिट साइड में। तो इससे क्या पता चलता है कि अब क्या क्या कंक्लूजन निकले। नंबर वन कंक्लूजन क्या निकला कि आपका जो करंट होता है जब चार्ज मोशन में होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। नंबर सेकेंड, अगर करंट की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को अगर मैं क्या कर दूं, चेंज कर दूं, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसी वजह से आपकी नीडल के अंदर भी क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। यस, तो ऑरेस्टेड साइंटिस्ट जो है उनसे अपन को क्या पता चला कि कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके आसपास क्या होगा, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, कैसे अपन उसको कैलकुलेट करें, इसलिए 1820 के अंदर ही आपके दो फ्रेंच के फिजिसिस्ट बायोट और सेवर्ट, इन्होंने क्या करा, आपके करंट कैरिंग कंडक्टर्स के ऊपर काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। उन्होंने अपना एक एक्सप्रेशन दिया, वो जो एक्सप्रेशन है उसी को अपन क्या बोलते हैं, बायोट सेवर्ट लो। तो अपन ये लो देखते हैं। इस लो के अकॉर्डिंग एक कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर वायर है, फॉर एग्जाम्पल आपका वायर कौन सा है, एक्स वाई। तो इस एक्स वाई वायर के अराउंड अपन ने रेंडम एक पॉइंट लिया, कौन सा, पॉइंट पी। तो इस एक्स वाई वायर के अराउंड उस पॉइंट, इसके अंदर करंट फ्लो होगा, ऑब्वियसली बात है, फॉर एग्जाम्पल इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट की वजह से इस पॉइंट पी के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो अपन को कैलकुलेट करना है, वो है उनका क्या, लो। तो उन्होंने क्या बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी पॉइंट के ऊपर, वो किस किस के, किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा। फर्स्ट उन्होंने बोला था कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। मतलब कंडक्टर के अंदर जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। सेकेंड उन्होंने बोला था कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन किसके। अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि आपका कोई कंडक्टर है, उसकी लेंथ, फॉर एग्जांपल इसकी जो कंप्लीट लेंथ है वो कितनी है, एल, पर लेंथ तो कुछ भी हो सकती है। क्यों, लेंथ तो कुछ भी हो सकती है, जो क्वेश्चन में गिवन होगी। लेकिन अब बात क्या आती है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे किस किस की वजह से हो रहा है, पूरी लेंथ की वजह से हो रहा है, हाँ पूरी लेंथ की वजह से हो रहा है, लेकिन एक डिफरेंशियल लेंथ का एलिमेंट होगा, क्या बोल रहे हैं अपन उसको, डीएल। डीएल क्या है आपका, एक लेंथ एलिमेंट है जो कि क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन कौन सी है, सेम डायरेक्शन है एज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डीएल अपन ने क्यों लिया, आपकी जो पूरी लेंथ है कंप्लीट, उसका मैंने एक बहुत डिफरेंशियल लेंथ का एलिमेंट लिया। क्यों,
क्योंकि ऐसे ही डीएल जैसे बहुत इनफाइनाइट लेंथ एलिमेंट होंगे जो सब मिलके क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किसके ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड, जो कि कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, पी पे, कोई भी पॉइंट है, जितने पॉइंट है आपके सब पॉइंट पे। तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो बना कौन रहा है, लेंथ एलिमेंट बना रहे हैं, किसके, करंट के लेंथ एलिमेंट बना रहे हैं। तो अपन ने एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लिया, कौन सा, डीएल। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होता है, इसके अलावा आपका डीएल के। अब आपका लेंथ एलिमेंट अपन ने कौन सा लिया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पी के ऊपर अपन मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, किसकी वजह से, कंप्लीट के वजह से। लेकिन अभी अपन बात किसकी कर रहे हैं, अपन को कंप्लीट लेंथ नहीं पता, तो इसलिए अपन बात किसकी कर रहे हैं, स्मॉल लेंथ एलिमेंट। अब स्मॉल लेंथ एलिमेंट डिफरेंशियल, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना होगा, डिफरेंशियल। इसलिए अपन ने यहाँ पे बी की जगह पे क्या लिखा, डीबी। डीबी मतलब डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड, क्यों, क्योंकि आपने लेंथ एलिमेंट भी कौन सा लिया, डिफरेंशियल लिया, ठीक है। तो एक तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल हो गया, करंट के। एक मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल हो गया, लेंथ के। थर्ड आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल होता है, डी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा एंगल है, किसका एंगल है, आपका जो लेंथ एलिमेंट था वो वायर का, और आपका जो पॉइंट है जिस पॉइंट पर आपको निकालना है उसके बीच का जो एलिमेंट है, एक तो क्या आपका डीएल और एक P point, वायर से P point की पोजिशन है, पोजिशन वेक्टर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आर। तो आपका जो थीटा है वो थीटा एंगल क्या है, DL, आपका जो लेंथ एलिमेंट है उससे आपका पोजिशन वेक्टर, उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है आपका थीटा। फिर से थीटा क्या है आपका, DL जो आपका लेंथ वेक्टर है, और R आपका पोजिशन वेक्टर है उस पॉइंट P का, उन दोनों के बीच का एंगल क्या है, DL टू R, वो एंगल क्या है आपका थीटा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के। थर्ड और फोर्थ आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बीच में, इसकी और इसकी जो डिस्टेंस है उसकी स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर से चार चीज़ें अपन को देखनी है, क्या बोलता है बायोसेमेट लो, कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल होता है करंट के, जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड, लेंथ एलिमेंट, जितनी ज़्यादा लेंथ एलिमेंट होगी, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड, साइन थीटा मतलब ये एंगल, जितना ज़्यादा होगा आर और इसका लेंथ एलिमेंट का उतना ज़्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड, और जितना कम होगा उतना कम मैग्नेटिक फील्ड। फोर्थ केस क्या आपका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, मतलब आपके कंडक्टिंग वायर से, कंडक्टर से जितना पॉइंट दूर होगा उसके स्क्वायर के अकॉर्डिंग आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। तो ये आपका है, इसको जो अपन कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं तो आपका क्या आ जाता है, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आपका प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट अपन लिख रहे हैं क्या है, के। फॉर एग्जाम्पल आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो k है वो k क्या है आपका, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और k की आपकी वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 pi, किसके इक्वल होती है वैल्यू, होती है 10^-7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, ये आपकी वैल्यू होती है किसकी, के की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक और आपकी नई टर्म आई है क्या, म्यू नोट। म्यू नोट जो होता है उसको अपन बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नोट जो भी टर्म आई उसको अपन बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, म्यू नोट, और म्यू नोट की आपकी वैल्यू क्या होती है, म्यू नोट इक्वल टू 4 pi × 10^-7 और वही टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। तो ये आपका क्या हो गया, म्यू नोट। फिर से एक बार देख लेते हैं, ये आपका क्या है, लो के क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, जनरली कॉन्स्टेंट आपका कंडक्टिंग वायर और जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं उसके अराउंड जो आपका मीडियम है उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन, के। के किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 pi, क्या है ये 10^-7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, और म्यू नॉट आपका क्या होता है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, यहाँ से अपन निकाल सकते हैं 4 pi को उधर ले जाके 4 pi × 10^-7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। तो कंप्लीट फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, आपका क्या है, डी बी इक्वल टू के की जगह पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 pi, कॉन्स्टेंट की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो डी बी इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 pi क्या है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया कंप्लीट फुल फॉर्म
एक्सप्रेशन हो गया इसका बायोट सेवर्ट लो का। अब यहाँ पे अगर ये जो आपका है इसके अंदर अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर अगर आर से मल्टीप्लाई करूँ आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका एक्सप्रेशन है। अगर मैं इसके अंदर क्या करता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर अगर मैं क्या करता हूँ आर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आर और ये आर स्क्वायर कितना हो गया आपका आर क्यूब। साइन थीटा को मैंने पीछे लिखा आर को आगे लिखा तो डी एल आर साइन थीटा। अब अपन क्या देखते हैं कि दो आपकी टर्म आ रही है ये क्या हो गया आपका साइन क्यूब स्क्वायर नहीं क्योंकि स्क्वायर ऑलरेडी था एक और आर से मल्टीप्लाई करा तो नीचे कितना हो गया क्यूब। अब अपन क्या देखते हैं कि आपके ऊपर न्यूमरेटर के अंदर क्या देखते हैं एक तो डी एल, डी एल भी क्या है डी एल वेक्टर है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है डी एल करंट एलिमेंट का लेंथ वेक्टर है और आर आपका क्या है पोजीशन वेक्टर है। अब दोनों वेक्टर क्वांटिटी और दो वेक्टर क्वांटिटी के साथ में क्या आ रहा है साइन थीटा, तो दो वेक्टर क्वांटिटी के साथ में जब साइन थीटा आता है तो उसको अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट होगा ये वेक्टर प्रोडक्ट होगा क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो आपका डी बी एक फॉर्मूला यहाँ पे क्या निकलता है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर आर क्यूब। तो ये आपका एक और एक्सप्रेशन हो गया कौन सी फॉर्म में एक्सप्रेशन हो गया वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेशन हो गया। क्या हो गया वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेशन की नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं तो आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर और वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेशन आपका कौन सा हो गया है आर क्यूब और ऊपर क्या हो गया क्रॉस प्रोडक्ट की टर्म्स पे वो आ गए। हाँ अपन क्या देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जब भी होते हैं तो अपन को अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसकी है डायरेक्शन की, किसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब प्रोडक्ट कौन सा आ रहा है वेक्टर प्रोडक्ट आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है और वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो आपके डायरेक्शन होती है उसके अंदर अपन क्या देखते हैं कि उसका जो प्लेन होता है जिस चीज के अपन डायरेक्शन निकाल रहे हैं तो दो जो फिजिकल क्वांटिटी है उनका जो प्लेन होगा उन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी किसकी बी की। तो अपन यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि एक तो आपका प्लेन कौन सा है लेंथ एलिमेंट का प्लेन है ये एक तो ये लेंथ एलिमेंट का प्लेन है ठीक है और एक एक कौन सा प्लेन होता है आपका इसका आर का पोजिशन वेक्टर का प्लेन होता है तो एक पोजिशन वेक्टर होगा उसके परपेंडिकुलर। फॉर एग्जाम्पल ये अगर लेंथ एलिमेंट का प्लेन है ये लेंथ एलिमेंट का प्लेन है और ये प्लेन है किसके अपोजिशन का क्योंकि ये वायर है तो आप इसके अराउंड ही कहीं ना कहीं देखोगे पॉइंट तो एक तो ये प्लेन है एक ये आपका पोजिशन वेक्टर का प्लेन है तो ये दोनों एक दूसरे क्या है परपेंडिकुलर। तो अपन क्या देखते हैं कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा इन दोनों के भी परपेंडिकुलर होगा। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या हो सकता है या तो इस बोर्ड के या तो क्या होगा आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड या तो इस बोर्ड के क्या होगा आउटवर्ड या फिर इस बोर्ड के क्या होगा इनवर्ड। तो ये अपन को कैसे पता चला ये अपन को पता चला क्योंकि आपके डीएल और आर कौन सी टर्म्स में आ गए क्रॉस प्रोडक्ट की टर्म्स में आ गए। अब यहाँ पे अपने एक एंगल आ रहा है कौन सा साइन थीटा, साइन थीटा आपका एंगल कौन कौन सा है एक तो आपके लेंथ एलिमेंट वेक्टर और करंट का एलिमेंट वेक्टर और एक आपका पोजीशन वेक्टर आर इन दोनों के बीच का एंगल है। इस एंगल की वजह से यहाँ पे दो स्पेशल केस निकलते हैं। फर्स्ट स्पेशल केस क्या निकलता है कि इफ थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि आप जो ये पोजीशन चूज कर रहे हो आपका एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका एंगल है। अब थीटा इक्वल टू जीरो का मतलब है कि ये जो एंगल है ये कितना हो गया जीरो, ये एंगल जीरो हो गया इसका मतलब आप जो पॉइंट चूज कर रहे हो वो किस पे इसकी एक्सिस पे। फिर से थीटा जीरो, थीटा आपका जीरो डिग्री होने का मतलब क्या है कि जो पोजीशन आप चूज कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड निकालने की वो पोजीशन आपके करंट के लेंथ एलिमेंट की एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रही है। क्यों? क्योंकि आपके इसकी लेंथ एलिमेंट की एक्सिस के ऊपर लाई करेगी तभी आपका एंगल कितना होगा जीरो। तब एक्सिस के ऊपर लाई करती है इसका मतलब आपका जो पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है लाइज ऑन एक्सिस, कौन सी एक्सिस एक्सिस ऑफ करंट एलिमेंट। और अगर वो उसकी एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा होगा तो अपन वहां पे पुट करके देखते हैं अपन क्या देखते हैं कि आपका डी बी इक्वल टू थीटा जीरो, थीटा मतलब साइन थीटा इक्वल टू साइन जीरो और साइन जीरो की आपकी वैल्यू कितनी होती है जीरो और अगर साइन जीरो हो जाता है इसका मतलब पूरी की पूरी टर्म किससे मल्टीप्लाई हो रही है साइन से तो पूरी पूरी टर्म कितनी हो गई जीरो। तो अगर आपका थीटा जीरो होता है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता है जीरो। इसका मतलब अगर आप कोई भी पॉइंट चूज करते हो जो कहाँ पे उसकी एक्सिस के ऊपर है करंट एलिमेंट की वहां पे आपके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी जीरो। सेकेंड स्पेशल केस होता है कि इफ थीटा इक्वल टू 90, इसका मतलब
साइन थीटा इक्वल टू 90 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। अब साइन 90 का मतलब क्या है कि आपका अगर ये लेंथ एलिमेंट है, करंट का एलिमेंट है, तो आपका जो पोजीशन है वो इसके क्या है परपेंडिकुलर, मतलब आपका पोजीशन कहाँ लाई कर रही है, यहाँ पे लाई कर रही है। तो इस केस के अंदर आपका एंगल कितना हो गया 90। मतलब अगर आपका जो करंट का लेंथ एलिमेंट है और आपकी जो इसकी पोजीशन आप चूज कर रहे हो वो दोनों के बीच में अगर एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, उस केस के अंदर आपका साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। और 1 कितना होता है साइन के अंदर मैक्सिमम, इसका मतलब आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है डीबी वो कितना होगा मैक्सिमम। तो ये तो आपके स्पेशल केस है। मिनिमम कब होगा जब करंट एलिमेंट की लेंथ उस पर एक्सिस पे चूज करते हैं, और मैक्सिमम कब होगा जब अपन वो जो पॉइंट है उसको अपन क्या करते हैं करंट एलिमेंट के परपेंडिकुलर चूज करते हैं। अब अपन बात करते हैं ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, किसकी हेल्प से, बायो सेवर्ट लॉ की हेल्प से। कैसे अपन देखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। अब मेरे को क्या चाहिए, यूनिट चाहिए, किसकी यूनिट चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट चाहिए। अब उस केस में अपन क्या करते हैं, जब भी अपन को यूनिट निकालनी होती है जितनी भी क्वांटिटीज है सबको किसके इक्वल पुट कर दो 1। तो अगर मैं बोलता हूँ कि इफ करंट कितना है मेरा 1 एम्पियर, डीएल जो लेंथ एलिमेंट है वो कितना है, सबको ऐसे यूनिट के अंदर देखना है क्योंकि अपन ऐसा यूनिट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो लेंथ एलिमेंट कितना है 1 एम्पियर, साइन 1 कब होगा साइन थीटा, जब थीटा कितना होगा आपका 90 डिग्री, तो उस केस में आपका साइन 90 डिग्री कितना हो जाएगा 1, मतलब थीटा कितना होना चाहिए 90 डिग्री। और आपकी जो डिस्टेंस है आपके कंडक्टिंग वायर से कंडक्टर से जो डिस्टेंस चूज करो मैग्नेटिक फील्ड के आर वा वो भी आपकी क्या होनी चाहिए 1 मीटर, उस केस में आपका डी बी किसके इक्वल हो जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये किसके इक्वल होता है आपका 10^-7 टेस्ला। तो अब यहाँ से अगर मैं 1 टेस्ला की वैल्यू निकालता हूँ तो आपका 1 टेस्ला कितना हो जाएगा डी बी इक्वल टू टेस्ला, मतलब 10^7 को कहाँ ले जाना पड़ेगा इधर, तो इधर कितना हो जाएगा ये 10^+7, और यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कितना हो गया 1 टी, और 1 टी मतलब 1 टेस्ला। तो 1 टेस्ला आपका किसके इक्वल होता है 10^7 डीबी। डीबी क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कब है तो अपन ने कंडीशन ली, तो यहाँ से डेफिनेशन निकलती है, किसकी डेफिनेशन निकलती है 1 टेस्ला की डेफिनेशन निकलती है। क्या होगी 1 टेस्ला की डेफिनेशन की, 1 टेस्ला इज द 10^7 टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड, 10^7 टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन कब, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, तो 10^7 टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर when the current is flowing is 1 ampere and the distance from the conducting wire is 1 meter and the angle between length element and position of the particle is equal to 90 degree। तो ये पूरी complete definition होगी किसकी 1 tesla की। ठीक है, तो ये आपका क्या निकला 1 tesla की definition और ऐसा unit of magnetic field। अब अपन एक relation देखते हैं किसकी इसके बीच में, mu naught, epsilon naught और आपके speed of light c के बीच में। अपन को पता है कि 1/4 epsilon naught क्या होता है आपका 9 × 10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और आपके म्यू नॉट अपन 4 पाई जो अभी अपन ने निकाला के, ये तो कुछ भी नहीं है, ये आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कूलम लॉ का कांस्टेंट है के, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट है बायो सेवर्ट लॉ से निकला कांस्टेंट के। तो ये दोनों के की वैल्यू है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ये कितना होता है म्यू नॉट अपन 4 पाई, कितना 10^-7 टेस्ला मीटर एम्पीयर इनवर्स। तो अगर अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करें म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट को, तो अपन क्या देखते हैं कि आपका एक तो क्या टर्म है फर्स्ट के क्या है आपका, सेकंड वाला के क्या है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आगे पीछे लिखो उसे फर्क नहीं पड़ेगा। और सेकंड अपन को ये वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड वाला के में तो म्यू ऑलरेडी ऊपर आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वाले के अंदर के एप्सिलॉन नॉट का आ रहा है नीचे, तो इसलिए अपन उसको क्या करा अपोजिट कर दिया उसका। क्यों, क्योंकि मेरे को एप्सिलॉन नॉट का चाहिए न्यूमेरेटर में चाहिए, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1। इसके बाद अपन क्या देखते हैं कि 4 पाई से 4 पाई यहाँ पर क्या हो गया कट, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 10^-7 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 1/9 × 10^9। ठीक है, के की वैल्यू होती है कंप्लीट, तो के की वैल्यू ये है, इसलिए इसको अपोजिट में अपन ने कर दिया, क्योंकि अपन ने उसको किस पर लिखा था के को अपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड वाले को, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है ये, लेकिन अपन तो उसको ऊपर लिख रहे हैं इसलिए ये क्या जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब अपन जब इसको सॉल्व करते हैं तो अपन देखते हैं कि आपका जो आंसर आता है वो क्या आता है
3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, और अपन को पता है कि 3 × 10⁸ क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट, मतलब ये किसका स्क्वायर हो रहा है, स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर हो रहा है, तो ये किसके इक्वल हो गया, सी स्क्वायर के। तो यहाँ से जब अपन सी के वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाती है आपकी 1/√μ0ε0। तो ये आपकी किसके किस किसके बीच में रिलेशन है, μ0ε0 और सी के बीच में। यस, अब एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन एनसीईआरटी का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन एलिमेंट डेल एल इक्वल टू डेल एक्स आई केप, इसका मतलब जो आपका एलिमेंट है, लेंथ एलिमेंट है करंट का, वो कौन से एक्सिस के अंदर, आई केप, आई केप का मतलब कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अंदर आपका एलिमेंट है, इज प्लेस्ड एट द ओरिजन, कहाँ रखा हुआ है आपका जो है लेंथ एलिमेंट, ओरिजन पर रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका मैंने एक्सिस बना दिया, ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो आपका अभी ये क्या बोल रहा है, x एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, और रखा हुआ कहाँ है, ओरिजिन पे, मतलब यहाँ पे आपका एक लेंथ एलिमेंट है, कितना, डेल x इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरीज ए लार्ज करंट I इक्वल टू 10 एम्पियर। मतलब आपको गिवन डेटा के अंदर क्या क्या गिवन है, गिवन के अंदर एक तो आपको क्या पता चला कि जो आपका डेल l है वो कौन से एक्सिस में, x एक्सिस में, और रखा हुआ कहाँ पे, ओरिजिन पे रखा हुआ, ठीक है। सेकेंड आपको क्या पता चला कि जो करंट है वो कितना है, आई इक्वल टू कितना है, 10 एम्पियर करंट जो फ्लो हो रहा है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस, अब आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालो, लेकिन कहाँ पे, वाई एक्सिस के अंदर। अब यहाँ पे इसने एक वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन दे रखी है एंगल की, कैसे, आपका लेंथ एलिमेंट का एक्स एक्सिस में, और आपसे पूछ क्या रहा है वाई एक्सिस पे, ये जो एंगल है ये एंगल कितना हो गया आपका 90 डिग्री, मतलब आपको उसने उसने आपको थीटा की वैल्यू दे रखी है, कितनी है 90 डिग्री, ठीक है। तो उसके बाद में व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर, मतलब वाई एक्सिस के ऊपर जो आपकी डिस्टेंस है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अपन को चाहिए वो कितनी है, 0.5 मीटर, मतलब उसने आपको वैल्यू दे रखी है किसकी, स्मॉल आर की, कितनी है 0.5 मीटर, और उसने आपको क्या कर रखा है, गिवन डेल एक्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, डेल एक्स क्या है आपका लेंथ एलिमेंट जो उसने आपको दे रखा है, मतलब उसने आपको लेंथ एलिमेंट कितना दे रखा है आपका 1 सेंटीमीटर, तो डेल एक्स उसने कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर कौन सी यूनिट है आपकी, सीजीएस, अपन को कौन सी चाहिए, एसआई, तो कितना हो जाएगा ये 1 × 10⁻²⁻ मीटर, या फिर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 10⁻²⁻ मीटर। तो अपन को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, अपने पास सारी वैल्यूज आ गई है, अपन फॉर्मूला क्या है अपना, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁷, उसके बाद में मल्टीप्लाई बाय आई, आई कितना है करंट, करंट कितना है आपका 10 एम्पियर, मल्टीप्लाई बाय डी एल, डी एल आपका कितना आ रहा है 10⁻²⁰ मीटर, मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, साइन थीटा की जगह पर क्या आएगा, कितना एंगल है 90, तो साइन 90 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, आर कितना है आपका, किसने भी निकालना है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर, जब अपन इसको सोल्व करते हैं तो अपना कितना हो जाता है 10⁻², ये कितना है यहाँ पे 10⁻², कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय, ये कितना आ रहा है साइन 91, ये कितना हो जाएगा 0.25, जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आएगा 4 × 10⁻⁸ टेस्ला, ये क्या निकलेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब बात क्या आती है, अब बात ये आती है आपकी कि आपका लेंथ एलिमेंट और दोनों एक दूसरे के से परपेंडिकुलर, एक कौन सा एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, एक कौन सा एक्सिस में, वाई एक्सिस में, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड किस में होगा, जेड एक्सिस में,